ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशण मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवे मंगलम परमं हवे मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है कुंभक प्राणायाम और मुद्रा। कुंभक प्राणायाम और मुद्रा हमारी चर्चा काफी दिनों से चल रही है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज और इसके बारे में जानेंगे, मुद्रा, विशेषकर मुद्रा क्या है और मुद्रा का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी साथ में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत यस, स्माइली फेस के साथ आप सबका, सुचेता जी स्माइल, यस, बाकी वीडियो ऑन करिए प्लीज, यस, संगीता वीडियो ऑन कर दिया है, जय जिनेंद्र, यस, अभी कोशिश करे बाकी भी अपने वीडियो ऑन करे, जो थोड़े लोग हैं। नौ अंक बहुत शुभ होता है और हमारे नौ लोगों के साथ कार्यक्रम शुरू हो रहा है, अखंड है ये नौ, तो आज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बात करने से पहले स्टार्ट में ही अपन ओंकार और प्रार्थना गुरु वंदना कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ प्रश्नोत्तरी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ ओंकार की ध्वनि करनी है तीन बार, एक साथ ही सभी करेंगे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, हर तन्मयता के साथ लंबी गहरे श्वास लेना ना भूले, मौके लिए अधिक समय देना है। ओंकार ओ
प्रसन्नता आनंद की अनुभूति के साथ सभी गुरुओं को याद करते हुए शुरू करें गुरु वंदना एक साथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। मेरे आध्यात्मिक गुरु को अंतकरण पूर्वक वंदन करते हुए वंदे गुरुवरम प्राणायाम के क्लास जिनके पुस्तक पर कर रही हूँ योगाचार्य विश्वासराव मंडलिक को प्रणाम। हर कंप्यूटर गुरु सबसे बड़ा आज मुझे वही लग रहा है क्योंकि जैसे जैसे मैं आज मुद्राओं के बारे में कंप्यूटर में देख रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि कितना कुछ बताते हैं कितना कुछ ज्ञान है। बस ज्ञान तो बहुत है, प्रश्न वो है कि हम कितना ले रहे हैं कितना जीवन में उतार रहे हैं। तो एक बार सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए आनंद भाई जी, कुछ प्रश्न के साथ हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्रश्न बोलते ही सुचिता जी को हंसी आ गई और ध्यान नोटबुक अभी अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। यस, सबको अनम्यूट ऑप्शन है। तो अभी क्लास की शुरुआत कैसे करेंगे, तो दो बातों से शुरुआत कर सकते हैं। एक तो मुद्रा है तो डायरेक्ट मुद्रा पर आ सकते हैं, नंबर वन। सेकंड, आठ प्राणायाम अगर आपके क्लियर है तो कोई मुझे ये बताएगा कि एक साथ आठ के नाम, और वो भी क्रम वाइज बताना है। ऐसे नहीं कि मन में आया कि एक प्राणायाम बताया, मैंने सिखाए हैं वो ग्रंथ में दिए, वैसे एक एक के बाद एक सिखाए हैं। मनोज ढूंढ लेना, मिल जाएगा आज सूर्य देवी प्राणायाम। एक मिनट, हाथ ऊपर किया है पहले मीनू ने, हाथ ऊपर कर दिया है। एक बार मीनू को बोलने दीजिए फिर आप बोल दीजिए। दूसरा प्रश्न में संगीता आपको पूछूंगी, बोलो मीनू। नंबर एक सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, प्राणायाम। स्टॉप स्टॉप, गलत कर दिया, स्टॉप वही स्टॉप। चलिए संगीता जी, सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयिनी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम। चलिए बराबर बताया क्या इन्होंने, इज इट राइट? यस। तो आप सबको ये आठ प्राणायाम याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखना इसको। शीतकारी पहले और शीतली बाद में, सूर्य भेदी उज्जयी, फिर शीतकारी और शीतली, शीतली उसके बाद भस्त्रिका और भ्रामरी, और उसके बाद मूर्छा और मूर्छा और प्लावनी। अभी इन आठों का आपको सब सीक्वेंस याद है, करेंगे एक मिनट सब प्रैक्टिस करेंगे, एक बार फटाफट करके हम मुद्रा पे आ जाएंगे। मुद्रा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम एक काम कर सकते हैं, एक एक बार, केवल एक एक बार आवर्तन करेंगे। और फिर किसी की तो आवाज बहुत है अलका जी। हाँ, आवाज अभी बंद कर देते हैं, सबको म्यूट कर देंगे। चलिए एक बार सबको म्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी। यस, तो चलिए क्यों ना आज हम एक काम करते हैं कि प्लाविनी से उल्टा शुरुआत करते हैं, पीछे से आगे जाते, क्योंकि पहला तो बहुत बार प्रैक्टिस हो चुकी है। तो कौन बताएगा कि प्लाविनी कैसे करना है? जो बताने वाले वो खाली अपने आप को म्यूट अनम्यूट करके बताइए। मीनू जी आपका क्लियर है तो आप बता दीजिए, कोई बात नहीं है।
वायु मैं बोलो। हाँ बोलो बोलो सुचिता बोलो। दावेनी यानी प्राण अंदर लेना, श्वास पूरा अंदर लेके रोक के रखना है और तरंग जैसे रहना है जैसे। ठीक है तो करना कैसे? पूरा श्वास, श्वास भरने का पूरा और वायु अंदर पेट में अंदर लेने का पूरा वायु। नहीं 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 स्टॉप कर दीजिए। ओके चलिए और कोई और कोई यही यस मीनू। हाँ मीनू बोलो। मैंने जो मेरा जो प्लावनी जो मैंने कहा था कि प्लावनी घूट घूट करके हवा को भरना है और जब अन्न 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 की तरह वैसे हवा को खाना है, हवा को खाना है, हवा को खाके जब अंदर इकट्ठा करके और उसको होल्ड करना है, होल्ड करना बराबर। ये पानी का घूंट पीते हैं ना, पानी का घूंट पीते वैसे हवा का वायु का एक एक घूंट पीना है, पीना है ऐसे पीना है, अन्न नलिका में प्रवेश करना है जी। अन्न नलिका में वो प्रवेश करेगा, वो आमाशय में जाएगा, इस प्रकार वायु को घुट घुट अन्न नलिका में जाके आमाशय को निगल कर फुल कर देना है और उसके फुल करना है। उसके बाद में जब वो पूरा अब्सॉर्ब होके हमारा ऑक्सीजन हवा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है जो शरीर की आमाशय की गर्मी को फिर हमको एक सांस द्वारा पूरा करके पूरा बाहर निकाल दे। सबसे मेन है कि कुंभक इसमें बहुत ज्यादा रखने के लिए होल्ड करना है, होल्ड करना है, कितना रखना है, कितना रखना को बोला था मैंने ग्रंथ में बताया, वो बताया था हमको तो कैपेसिटी उतना ही रखना है परंतु ग्रंथ में कितना बताया बताया था मैंने। वैसे तो उसको जितने अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना होता है वो तो मैंने बताया क्षमता अनुसार, पर ग्रंथ में क्या बताया वो भी मैंने बताया था। कितने मिनट? 5 से 7 मिनट। नहीं गलत। चलिए कोई लिखा हुआ है किसी का, ये मैंने बताया हुआ था इसीलिए ग्रंथ का पॉइंट है। तो चलिए लिखिए ग्रंथ में तो लिखा है ये 30 मिनट से 90 मिनट तक रखना चाहिए, अपने लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है परंतु ऐसा पेट में रखे ऐसे किसने कहा है? परमहंस सत्यानंद सरस्वती स्वामी ने कहा है, तो उन्होंने ये कहा है। और फिर वो जिस तरह अपने मुंह से निकालना है इसको धकार देते हैं ना अपन, धकार देते उस तरह निकाल रहे। तो चलिए एक बार जितना ले सकते उतना वायु से आमाशय भरते थे, शॉर्ट शॉर्ट करेंगे और आमाशय भरते। फिर आपने बताया 90 कितना टाइम बताया आपने? 30 से 90 तक ग्रंथ में लिखा है, ये प्रैक्टिकली अपने लिए पॉसिबल नहीं, ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने अभ्यास किया है और उतना वो होल्ड करते थे। चलिए तो एक बार अपन करते आमाशय में पानी भरने के बाद अपन तरंग अवस्था में आ जाएंगे, ऐसी अनुभूति करना हट प्रतिका में लिखा है। तो चलिए अपन श्वास को खाते हैं, पानी की तरफ पीते हैं। कंटिन्यू करते रहना है, जैसे पेट में अन्न भरते वैसे वायु भरते जाइए और आमाशय भरते जाइए। कहते हैं कि जैसे वायु आमाशय में भरेगा सुखद अवस्था आएंगे और हम तरंग रहे ऐसा आभास होगा, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। प्रयत्न करना है जितना जैसे होगा उतना। और जितने देर होल्ड कर सकते होल्ड करें। और ग्रंथ में ये स्पष्ट नहीं किया हुआ किस तरह निकालना है परंतु जैसे डकार देते नाक से और मुंह में करके निकल, ये आमाशय के संदर्भ में है इसीलिए ये पाचन केंद्र से रिलेटेड है, तो इससे पाचन तो अच्छा होता ही है, आम्ल पित्त इसके कष्ट इससे दूर हो जाते हैं। पेट में वायु भरने से कहते कि भूख नहीं लगती है, इससे भूख भी कम होती है, बार बार खाते रहेंगे तो भोजन की इच्छा भी कम हो जाएगी, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। ज्यादा कुछ बताया नहीं है तो ये प्लाविनी हो गया। चलिए मूर्छा कौन बताएगा मूर्छा के बारे में? हाँ जी
इसमें कुंभक कौन सा लगेगा? कुंभक इसमें ऐसे है कि त्रिकोत्री बंध लगाना तो है, परंतु इसमें ग्रंथ में कुछ भी दिया नहीं, वैसे खाली निकाय के कुंभक करना है, तो जैसे भी चाहिए कह सकते कि कुंभक रुक सकते ऐसे। श्वास को अंदर भर के आंतरिक कुंभक को त्रिबंध ही लगेगा। आनंद भाई जी एक बार कोस्ट कर दीजिए मुझे। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जब हवा भर लेंगे पेट तो फूला हुआ रहेगा, इसीलिए तो केवल बंद तो तीनों बंद तो लगेंगे नहीं, इसमें लगेंगे नहीं। कुंभक गर्दन से कर सकते हो ओनली, जालंधर बंद कर सकते हो, या तो केवल कुंभक अपने संयम पूर्वक कुंभक करना है, संयम पूर्वक कुंभक। सर इसमें जितना हवा को अंदर भर के अंदर होल्ड करना है तो आंतरिक कुंभक लगेगा, हवा को अंदर ही रोके रखना है। अंदर ही रोके रखना है, वो तो आंतरिक कुंभक रहेगा, पर रखने के लिए मुद्रा पूछ रहे, वो बंद पूछ रहे है। बंद तो मन केवल जालंधर बंद रख सकते है इसमें, और कोई जरूरत भी नहीं, वैसे संयम पूर्वक करना है। ठीक है, आगे चलिए। मूर्छा प्राणायाम के बारे में कौन बता सकता है? अनिल भाई जी एक बार मुझे को होस्ट कर सकते हो प्लीज? यस, कौन बताएगा? अभी हाथ ऊपर करके एक एक बताइए, सभी एक मत बताइए, और दूसरे को आता है तो एक बार सुचिता जी को बता दीजिए, फिर करेक्ट नहीं हुआ तो फिर आगे बोलिए। श्वास को रेचक करके दो बंद बांधने हैं, त्रिबंध बांधने, फिर दो ही छोड़ने हैं, और मूर्छाने बेशुद्ध अवस्था में श्वास नहीं, कैसे कर रहा है? स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कैसे? नंबर वन यानी त्रिबंध नहीं, सबसे पहले तो दोनों नासिका से श्वास तो लेना ही, सबसे पहले वो बताना आपको कि दीर्घ मंद लंबा एक श्वास भरे पूरक करे, और उसके बाद तीनों बंद बांधने में, तीनों बंद बांधने, और उसके बाद तीनों बंद बांधने के बाद क्या करना है? दृष्टि भ्रू मध्य पर रखनी है, दृष्टि भ्रू मध्य पर एकाग्र करना है, और जितनी देर रख सकते वो त्रिबंध को रखना है। अपन निक करेंगे, और चलिए एक बार श्वास भरे, तीन बंद बांधे, और झुकते हुए अपन भूमध्य पर नजर केंद्रित करें, रखे जितनी देर रख सकते उतने देर रखे। अब इसका छोड़ने का इम्पोर्टेंट है, रेचक में आपको दो ही बंद छोड़ने हैं, जालंधर बंद नहीं छोड़ना है, और वो जितनी ज्यादा देर रखे उतनी ज्यादा देर रखे। जालंधर पर रखते हुए रेचक करना है, इससे जालंधर बंद रखते हुए रेचक करना है, और फिर वापस वैसे ही दीर्घ पूरक करना है, परंतु जालंधर बंद वैसे ही रखना है, इससे मूर्छा आ जाती है जालंधर बंद रखने से। श्वास भरे, तीनों बंद बांधे, जितनी देर रख सकते रखें, और फिर दो बंद छोड़ दीजिए, और जालंधर बंद में ही रेचक करें, जालंधर बंद में ही पूरक करें, फिर वापस दो बंद बांधे, वापस दो बंद छोड़े, जालंधर वैसे ही रखे। ऐसे कहते कि ऐसा करने से बेहोशी से आ जाती है, ये आवर्तन धीरे धीरे करने, अपन जालंधर बांध के रखेंगे तो भारीपन का अनुभव होगा, चक्कर आने लगेगी, आंखों के सामने अंधेरा दिखेगा, हो सकता है चक्कर भी आ जाएगी। ये सब मज्जा तंत्र को ठीक करने के लिए, रक्त दाब कम करता है, इस तरह जालंधर बांधते ही सब कुछ करना है इसमें। ये नए दो प्राणायाम हमने प्रैक्टिस कम की थी इसलिए मैंने उल्टे करवाए, तो चलिए हम बाकी सारे प्राणायाम वैसे जानते हैं, तो इसमें हम टाइम नहीं लेते हुए फटाफट 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 एक के बाद एक करेंगे। तो इसके इसके उल्टा, इसके बाद का कौन सा आएगा? इसके बाद का कौन सा आएगा?
ये हमने सातवां भ्रामरी भ्रामरी चलिए अभी टाइम नहीं भ्रामरी के लिए दोनों साइड नहीं कान पे हाथ वगैरह नहीं रखने कुछ भी नहीं मैंने कहा श्वास लेते समय आवाज करनी है और छोड़ते समय तो दोनों में आवाज आने का नर के और मादी के और तीनों बंद बांधनी तो श्वास लेते समय आवाज करे और इसमें त्रिबंध बांधे बिना भी आप कर सकते हो ग्रंथ में दोनों भी लिखा है तो एक बार अपन त्रिबंध बांधे बिना करें चलो आवाज करते हुए श्वास भरे इस नाद में इतना तल्लीन होना चाहिए कि मन में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए शांति का अनुभव होना चाहिए और इसके सारे मस्तिष्क की कोशिकाएं हमारी बहुत अच्छी तरह कार्यरत और यही प्राणायाम भ्रामरी हम अलग अलग रूप से जैसे कान से कर सकते हैं दोनों कान केवल बंद करके वो अलग अलग प्रकार है वो आप कर लीजिए इसमें हम टाइम नहीं देंगे चलिए भस्त्रिका भी इसमें कोई हमें अलग अलग प्रकार नहीं करने केवल स्पीडी श्वास लेनी है चलिए जितना स्पीड महसूस करे तथा मतलब उसके अपने को जो आवर्तन है वो ऐसे फटाफट 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 होने चाहिए ये भी अलग अलग प्रकार के करते हैं हमको अलग प्रकार नहीं करना है भस्त्रिका काम हाथ से भी करते हैं ये करती है सब नहीं करते हुए हम केवल इतना ही करेंगे तो हो गया भस्त्रिका का चलिए आगे भस्त्रिका के बाद मतलब पहले शीतली और बाद में शीतकारी है तो शीतली में क्या करना है जीवा को पाइप बनाना है बना के उसको अंदर श्वास लेना है चलिए कर लीजिए तीन बंद बांधने हैं धीरे से बंद छोड़ते हुए दोनों नाक से श्वास छोड़ना है बस एक ही बार करेंगे शीतली और चित्कारी ये दोनों ठंडी में नहीं करते हैं गर्मी में करनी चाहिए इसमें उस ठंडी शीतलता का अनुभव होता है दांत को सटा के रखे जीभ को दांत पे प्रेस करे और श्वास भरे जितना भर सकते उतना भरिए जितना भर सकते उतना भरिए आप और फिर तीन बंद बांधिए यस चलिए आगे उज्जय सबसे भारी प्राणायाम है सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे बहुत फायदे देने वाला है इसको करना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आवाज सही आनी चाहिए तो जिस तरह आवाज है वो आवाज एकदम बहुत रेगुलर श्वास से ज्यादा भ्रामरी से कम इस तरह आवाज करते हुए हम श्वास लेंगे तीन बंद बांधे के और फिर राइट से फिर आवाज करते हुए श्वास छोड़ेंगे तो चलिए आवाज करते हुए आवाज के साथ करें गांच की आवाज समुद्र के किनारे बैठने के आते हुए से धीरे से okay. मर्यादा अनुसार कुंभक रखे धीरे तीनों बंद छोड़ते हुए हाँ
यस, फिर हमें लेफ्ट नाक से छोड़ना है। चलिए हो गया सितकारी प्राणायाम। अब लास्ट सूर्य बेदी, तो अपना केवल राइट नाक खुला रहेगा, दूसरे दोनों बंद रहेंगे। नाक बंद करें दोनों, तीनों बंद पाते हैं। राइट से छोड़िए, राइट से छोड़िए। बस इस तरह बार बार आवर्तन करते टाइम एक ही नाक से सांस लेनी है और दूसरे से। चलो हो गया यहाँ तक क्लियर। 15 मिनट में देखिए, हमारे 15 ही मिनट में हमने 8 प्राणायाम का एक एक बार प्रयोग किया है और सब प्राणायाम व्यवस्थित, सब प्राणायाम क्लियर है। चलिए प्राणायाम क्लियर है, आज तो सारे क्लियर होंगे, कल पूछेंगे तो फिर आएंगे नहीं, आज तो सब ये क्लियर है, आज तो सब क्लियर है, एकदम बढ़िया सब आए थे। और कल पूछेंगे मूर्छा क्या है, फिर नोटबुक देखेंगे, फिर सोचेंगे। चलिए कोई बात नहीं, रोज प्रैक्टिस कीजिए, अपने यहाँ कंप्यूटर में फीड करते वैसे अपने कंप्यूटर में फीड कर दीजिए। चलिए अब बताइए कि मुझे मुद्रा के बारे में क्या क्या जानते, कौन क्या बताना चाहेगा मुद्रा के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट बात है मुद्रा भी। मुद्रा चलिए एक 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 बोलेंगे, ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चार मुद्रा, कौन सी चार मुद्राएं बताएं? ज्ञान मुद्रा एक है, ज्ञान मुद्रा, चंदू जी वो सब हमें अभी नहीं चाहिए मुद्राएं, मेन मुद्रा देखेंगे बाद में, खेचरी वगैरह ये सब बाद में आ जाएगा। यस मीनू आप बताना चाहेंगे? मेन मुद्रा हमारी जो हम पद्मासन लगा के अक्सर लगाया करते हैं, वो ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, दो दो ध्यान के लिए दो मुद्राएं, दो मेन लगती है। उसके बाद खिचड़ी बताए, वो बाकी सब नहीं, खिचड़ी वगैरह अभी कुछ नहीं, केवल मेन को चलते हैं। मेन चलिए मुद्राएं हैं ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा, और उसके बाद हमारे जो पंच तत्व है, पांचों उंगलियों की जो मुद्राएं होती हैं, वो जैसे जैसे उंगली को लगाते हैं वो पांच मुद्राएं अलग बन जाती हैं, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। वेरी गुड। चलिए मुद्रा का अर्थ कौन बता सकता है? मुद्रा का अर्थ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले मुद्रा का अर्थ, उसकी उपयोगिता, उसके फायदे, और फिर उसके प्रकार देखेंगे। ये तो हम रोज करते हैं ध्यान के लिए, इसलिए दो मुद्राएं केवल ध्यान। मुद्रा यानी पॉइंट्स पे प्रेस करना ना, पॉइंट्स प्रेस हो जाते मुद्रा यानी। पर शब्दशः अर्थ चाहिए हमें, एक्चुअली मुद्रा क्या होता है, तो इसीलिए जानना जरूरी। मुद्रा का अर्थ होता है मुहर, मुहर, मुहर मतलब बांधना उसको। तो क्या बांधना है? तो अपना मन है, पूरा मन, वो आत्मा, आत्मा के साथ जोड़कर उसको मोहर बंद कर देना। अपना क्या मन भटकता रहता है ना, तो उस मन को पकड़ना है, आत्मा के साथ उसको जोड़ देना है और दोनों को मोहर बंद करना है। और उस टाइम क्या होता है, श्वास भी रोका जाता है। नंबर वन तो श्वास रोका जाता है, दूसरा प्राणों पर नियंत्रण करता है, तीसरा इससे अपने सारे शक्तियों का जागरण करने के लिए उपयोग करता है। तो मुख्य जो इसका उद्देश्य है कि हमारा प्राण, मन और हमारी जो मानसिकता है, इन सब पर नियंत्रण करने के लिए, मन की चंचलता कम करने के लिए, और हमारे अंदर जो शक्ति है उसको, ओज शक्ति, ओजस शक्ति, उस शक्ति को बाहर लाने के लिए ये मुद्राओं का काम किया जाता है। तो मुद्राएं किसमें बताइए, कौन से ग्रंथों में बताइए और कितनी बताइए? यस, ये तो नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होता है। मैं पहले से ही कहती हूँ कि जब तक हठ योग और घेरण संहिता नहीं पढ़ेंगे, सारा ज्ञान नहीं आएगा। हठ योग में ज्यादा बताइए ना, नहीं घेरण संहिता में ज्यादा बताइए। तो चलिए हम जानते हैं हठ योग में 10 मुद्राएं बताइए हठ योग में, और घेरण संहिता में टोटल 25 मुद्राओं का अभ्यास है। और केवल मुद्रा नहीं है, मुद्रा और बंध एक साथ बना है, मुद्रा और बंध एक साथ। जैसे हठ योग में 10 बताए, 10 तो 10 में क्या किया है उन्होंने, 4 तो बंध बताए हैं और 6 मुद्राएं बताई है। हठ योग में 4 बंध बताए हैं
और 6 मुद्राएं बताइए। इस प्रकार क्या होता है कि सप्ताह को बायफर्केशन किया जाता है, तो मुख्य मुख्य जो होते हैं वो बंद होते हैं। अपन जो कर रहे हैं ना अभी, तीन बंद बांधते हैं ना हम, तो तीन बंद और एक साथ सबको बांधना, एक साथ सबको बांधना नहीं, तो अलग मैं बता रही हूँ सुचिता जी, ध्यान से सुनो मैं बोली। तीन बंद अलग है, जैसे मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, और तीनों को एक साथ बांधा तो इसको कहते बंद त्रय। तीनों को एक साथ बांधना चौथा, वो है बंद त्रय। और आगे है महाबंध है, तो हाथ की 10 मुद्राएं होती है, तो अलग अलग होती है। तो इसका मुख्य लाभ ऋषि मुनि किसके लिए करते थे, आपको कुछ पता है? ऋषि मुनि इसका ध्यान में जाने के लिए, अपनी जागृति के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए नहीं। और ऋषि मुनियों का उद्देश्य क्या था, ये तो हम लोग सब कर रहे हैं, ऋषि मुनियों के उद्देश्य क्या था? शक्ति जागरण के लिए? नहीं नहीं, वो तो अपना है, अपने को शक्ति जाना, ये सब अपने लिए काम के। जो मुद्राएं वैसे जो लगाते हैं वो हमारे आंतरिक शरीर को प्रभावित करती हैं, ध्यान वो हमारे लिए, हमारे लिए। मीनू मीनू जी, वही मैं बोल रही हूँ, अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ मैं, ऋषि मुनि ध्यान, मैं ऋषि अंतर 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 जो जो आंतरिक एक कनेक्शन होता है ना, उसी के लिए, अपने आप को संयत रखने के लिए, उसको कहते हैं वो कुंडलिनी जागृति करने के लिए ऋषि मुनि जी। शब्द पर के भी कुंडलिनी जागृत करना, ये किसी का ऋषि मुनियों का उद्देश्य था। और हम लोग करते वो आरोग्य प्राप्ति के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सारे रोग है वो ना हो, हमारा मन शांत हो, हमारा विचार अच्छा हो, तो बहुत सारे मुद्राओं के फायदे भी है और मुद्राएं बहुत सारी की जाती है। मुद्राओं पे भी इसी तरह क्लास चलती रहेगी, अगर आप चाहे तो पूरे मुद्राओं एक एक, क्योंकि मैं इतना तो एट ए टाइम नहीं बता पाऊंगी आपको, एक मुद्रा बताने तो उसका वर्णन करना पड़ेगा, करके देखनी पड़ेगी, ये तो सब हमें मुद्राओं को करना पड़ेगा, तो ये सब मुद्रा की क्लास हमें अलग करनी पड़ेगी, तो हम इस पर चिंतन करें। तो प्रेक्षा ध्यान से रिलेटेड बता दीजिए मुझे, प्रेक्षा ध्यान से रिलेटेड मुद्राओं के बारे में क्या कहेंगे? ज्ञान मुद्रा, विकराग मुद्रा। नहीं मुद्रा नहीं चाहिए, वो सब जानते हैं। मैंने बोला इसके बारे में प्रेक्षा ध्यान से क्या रिलेशन है, प्रेक्षा ध्यान में मुद्राओं को क्यों किया जाता है, जैसे आसन, मुद्रा और प्राणायाम, ये तीन दे दिए है ना हमारे, क्या करने के लिए? शरीर और मन को एकाग्र करने के लिए, शरीर और मन को एकाग्र करने के लिए। एक एक बताइए और स्पष्टता से बताइए, केवल वेग उत्तर नहीं चाहिए, टू दी पॉइंट। मन की चंचलता को कम करने के लिए? नहीं बिल्कुल, वो तो एक पार्ट हो गया, मेन उद्देश्य अपन को केंद्र में जाना है, शरीर और आत्मा को, शरीर को आत्मा से जोड़ने के लिए। चलिए और बताइए, है बराबर, ये सब बता रहे हैं आप, तो और भी मतलब अपन प्रेक्षा ध्यान के ग्रंथों में महाप्रज्ञ जी का उद्देश्य क्या था, जैसे विपश्यना में कुछ भी नहीं है, है ना? विपश्यना में क्या बताया है, केवल श्वास को देखो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि श्वास को नियंत्रण करो, उन्होंने ये भी नहीं कहा दीर्घ श्वास करो। विपश्यना क्या बोलती है, केवल श्वास को देखो, सहस्वाज आता है जाने दो, आने दो, तो उसमें कुछ भी नहीं, आसन भी नहीं करने विपश्यना में, परंतु महाप्रज्ञ ने बहुत सोच समझ कर चार विशिष्ट अंग दे दिए। कौन से चार विशिष्ट अंग है? अपने स्वयं को देखे। नो 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 नो, वो सब मत बताओ, चार अंग बताने के, नाम बताने के, चार अंगों के, चार विशिष्ट अंग। अगर ये भी आप नहीं जानते तो इतने साल अपना प्रेक्षा ध्यान करना सही नहीं है, ऐसा मैं कहूंगी। मन, आसन, श्वास, देखो जिसमें कॉन्फिडेंस है वो हाथ ऊपर करे कि मैं चार सहायक अंग बता रहा हूँ, सहायक अंग बोलते इसको, ध्यान करने के लिए उपयोगी चार सहायक अंग, ये चार ही नाम बताने हैं और कुछ नहीं बताना है, उसका वर्णन नहीं, नाम नहीं। अगर आप ये नहीं जानते तो आनंद भाई जी मुझे बहुत खेत से कहना पड़ेगा कि हमारा प्रेक्षा ध्यान इतने साल करने के बाद भी हम लोगों का क्लियर, क्योंकि हम बताते हैं कि प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंग 8 है,
मुख्य अंग आठ है और उसके बाद चार विशिष्ट अंग है और सहायक अंग है और तीन विशिष्ट अंग है। तो हमें आठ अंग, तीन अंग और चार अंग, इनके नाम तो कंठस्थ होने ही चाहिए, तभी हम प्रेक्षक धर्म के बीच में जा सकते हैं। कर्मा आसन एक एक बोल मनोज, बोल रहा है तो आसन आसन गलत, चलो बस स्टॉप, गलत। चंदू जी आप बता सकते हैं तो बताइए, हाथ ऊपर किया है। मुद्रा, मुझे सिस्टमैटिक चाहिए, मुद्रा मतलब स्टेप बाय स्टेप बताओ। उन्होंने आसन, पहला आसन, दूसरा मुद्रा। गलत गलत, स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए। चलिए मुझे पता है, अब आप लिख लीजिए या दिमाग में फिट कीजिए। सबसे पहला आसन, सेकंड प्राणायाम, सेकंड प्राणायाम है, थर्ड मुद्रा है और चौथा ध्वनि है। ये हमारे सहायक अंग है। प्रेक्षा ध्यान क्या है, क्यों करते हैं प्रेक्षा ध्यान? प्रेक्षा ध्यान क्या है? मुद्राओं का संबंध प्रेक्षा ध्यान के उद्देश्य से है। तो बताइए प्रेक्षा ध्यान स्वयं को देखना नहीं, मुख्य उद्देश्य बताइए अभी। स्वयं को देखना तो है ही, पर मैं बोल रही हूँ कि मुद्राओं से रिलेटेड क्या होगा हमारा, इसीलिए हमें डीप में छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। बताइए, मन को एकाग्र करना अपने आप में, शरीर और मन की चंचलता कम करना, और प्रेक्षा ध्यान किसके लिए है? अपने आत्मा के मिलन के लिए, वो बाद में। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वेद ज्ञान जानने के लिए। देखो प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है भाव परिवर्तन करना, भाव परिवर्तन। मुद्रा की दृष्टि से बता रही हूँ, वैसे तो हमारा चित्त शुद्धि मुख्य विषय है, परंतु हम मुद्राओं के बारे में जानेंगे तो पहला भाव परिवर्तन। सबसे पहले क्या होता है, हमारे भाव होते हैं और जैसा भाव होगा वैसी मुद्रा बनेगी, जैसा भाव वैसे मुद्रा बनेंगे। उदास हो गए तो अपन ऐसे बैठ जाएंगे, खुश होंगे तो हम ऐसे बैठ खुश हो जाएंगे। तो जैसे भाव होगा वैसे क्या होगी, मुद्रा होगी। हम आलस में है तो क्या आलस की मुद्रा कैसी होती है आप जानते हैं, वैसी मुद्रा बनती है। शोक में है, दुखी है तो सोचो मुद्रा कैसी होती है, तो वैसी मुद्रा होती। इस तरह हमें प्रसन्न रहना चाहिए, धैर्य, ये सब करना है। तो प्रेक्षा ध्यान का उद्देश्य है निषेधात्मक भावों को निकाल देना है और सकारात्मक भावों को लाना है। ध्यान करने की तैयारी करनी है ना, तो क्या करना है, भाव में परिवर्तन करना है। मुख्य जो है हमारे जो भाव है ना, वो भाव हमारे निषेधात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं, तो उसको सकारात्मक बनाने के लिए मुद्रा काम आती है। जैसे भी मुद्रा करेंगे बस भाव वैसे बन जाएंगे, जैसे भी मुद्रा करेंगे वैसे भाव बन जाएंगे। तो इस प्रकार मुद्रा का मुख्य काम है कि हमारे भावों में परिवर्तन करना, ठीक है। वैसे मुद्रा और कौन से शब्द में यूज की जाती है, टोटल समाज में, देश में, विश्व में मुद्राओं को किस संदर्भ में यूज किया जाता है बताइए? नृत्य में, डांस में। क्लियर नहीं है मेरे को शब्द, डांस में बता रहे, डांसेस नहीं, वो तो मुद्रा हो गई। मैं बोल रही हूँ झंडे पे है, झंडे पे है, शरीर में परिवर्तन लाने के लिए। छोड़ो, मैंने प्रश्न पूछा वही आपके समझ में नहीं आया। पूरे विश्व में मुद्रा का दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ करेंसी है, हर देश की एक करेंसी होती है ना, वो मुद्रा बोलते हैं, उसको मुद्रा बोलते हैं। तो विश्व के रूप में होता है तो भाषा के क्या होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे भारतीय परंपरा में तो इसका अर्थ आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ क्या है, आत्मा पर विचार किया गया है। ये मुद्रा साधना के लिए उपयुक्त है, एक विशिष्ट आकृति होती है जो हमें ध्यान करने के लिए बहुत उपयोगी आएगी। ये पोज है हमारी, एक विशिष्ट पोज है, तो ये मुद्रा है ना। जिसके घर में बैकग्राउंड चल रही है, किनके घर में बैकग्राउंड में काम चल रहा है, बात चल रही है, रेडियो टीवी चल रहा है,
प्लीज बंद कीजिए, ठीक है। तो मुद्रा, देखो मुद्रा होती है वो अपने आंतरिक जो भाव होते हैं उसकी वो अभिव्यक्ति होती है। तो मुद्रा हमारी होती है, उसका एक विज्ञान भी है। विज्ञान भी कहता है हमारा कि हमारे शरीर के पास जो मुद्रा होती है वो क्या होता है, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक, तीनों से संबंधित होता है। तो इस प्रकार हमारी मुद्रा, अंदर भाव आएंगे और बाह्य मुद्रा बनेगी, अंदर से भाव आएंगे और बाहर से मुद्रा बनेगी। इस प्रकार हमारी ये मुद्रा काम करती है। मैं देखती हूँ, मैंने मुद्रा पे कुछ निकाला तो है, अगर सामने आता है फटाफट तो मैं आपको मुद्रा के बारे में, यस, एक आज सुबह सुबह ही मुझे बहुत अच्छा मिला कि ये सब मुद्राओं से हमें क्या क्या मिलता है। देखो, मुद्राओं से चमत्कारिक बदलाव होते हैं। मुद्राओं से आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये हाथ की मुद्राएं हैं, ये इस तरह काम करती है, ठीक है। तो ये मुद्राओं के बारे में एक मैंने पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। आज एक वीडियो ही है, अगर आपको देखना है तो आप उसको खोल के देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे मुद्राएं। देखिए, ये हठप्रदीका में कहा है कि एक शिव संहिता में इस तरह अनंत हठप्रदीका में 10 प्रकार बताए हैं मुद्रा के। ये मुद्रा का अभ्यास और आध्यात्मिक विचार पे बताया हुआ, ये सब मैंने नेट से लिया हुआ है और बहुत बहुत सुंदर लगा है मुझे। तो इस प्रकार कहते हैं कि हमारे मुद्रा जब होती है तो हम मुद्रा से क्या करते हैं, हमारी सर्वोच्च चेतना से जुड़ने में सहायक होती है। ये मुद्रा है ना, अपनी सर्वोच्च चेतना तक हमें ले जाती है। तो इस प्रकार चेतना तक ले जाने के लिए हमें ये काम आती है। और क्या क्या काम करती है मुद्रा, इतना काम करती है कि जितना जानोगे। देखो, नियमित मुद्रा अभ्यास से जोड़ों के दर्द, कमजोर याददाश्त, इन सब का इलाज हो सकता है। तो मुद्रा का इस प्रकार बहुत सारा उपयोग हमें हो सकता है। और देखो, मुद्रा इसका शाब्दिक अर्थ है मुहर बंद करना, आत्मा के साथ मन को जोड़कर। जो मैंने कहा वो इसी में से कहा था, मन को आत्मा के साथ जोड़कर मुहर बंद करना, इसलिए इसको मुद्रा कहते हैं। हिंदू बौद्ध धर्म में मुद्रा का अभ्यास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये इस प्रकार की जो मुद्राएं है वो मुद्राएं बहुत प्रकार की है। तो अलग अलग अवस्था में हाथों के उंगलियां जोड़कर निश्चित स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए मुद्रा का अभ्यास किया जाता है कि कौन सा स्वास्थ्य चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन सी मुद्रा करनी है। तो इस प्रकार हम मुद्राओं को देख सकते हैं और जान सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि मूलभूत मुद्राओं की शुरुआत भगवान शिव ने की है। तो इतना पुराना है, देखिए शिव ने ये मुद्राओं का पहले अभ्यास किया है। उन्होंने, अपन आज की भाषा में बोले तो उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च किया हुआ है। तो इस प्रकार मुद्रा के कई प्रकार हो सकते हैं, वो समस्त शरीर से जुड़ी हुई है और अधिकांश मुद्राएं अपने हाथ की और उंगलियों की होती है। तो इस प्रकार उंगलियों के बारे में जानना, हाथ के बारे में जानना, और मुद्राएं तो वैसे जैसे बीच में किसी ने कहा था कि डांस में भी होती है, नृत्य में भी होती है, धर्म में भी होती है, कला में भी होती है, तंत्र में भी मुद्राएं होती है। तो मुद्राएं विभिन्न जगह हमको उपयोगी आ सकती है। इस प्रकार हमें मुद्राओं का अभ्यास करना है। योग में मुद्रा का इस्तेमाल सांस लेने के साथ शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी शरीर में जो प्राण का प्रवाह प्रवाहित किया जाता है उसके लिए भी मुद्राओं का हमें उपयोग होता है। तो ये सब एक वीडियो है और वीडियो को मैंने इसको शॉर्ट में लेने की कोशिश की। मुद्राएं कुछ भी हो सकती है, ये भी है। तो मुद्रा यानी शरीर को उत्तम स्थिति में रखने के लिए ये मुद्रा काम करती है। तो इस प्रकार मुद्राओं का अभ्यास हमने कर लिया है, मुद्राओं के बारे में हमने जान लिया है। तो क्या आपको मुद्रा समझ में आई सारी, जितना मैंने बताया उतना क्लियर हो गया है अभी तक, कि कुछ प्रश्न है इस बारे में? और आज हम मुख्य क्या देखने वाले थे बताइए, आज हम मुख्य कौन से एक मुद्रा देखने वाले थे जिसके लिए विषय शुरू हुआ लास्ट?
हमारे लेक्चर में ये बात हुई, ये मुद्रा बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और मैंने कहा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उस मुद्रा के बारे में बताऊंगी। याद है किसी को? अब ये बात याद नहीं है ना, तो मुझे आज वो मुद्रा बतानी नहीं आप लोगों को। वो मुद्रा की मैं तैयारी करके आई हूँ, वही मुद्रा आपको मेन बतानी थी आज मुझे। पर अगर आपको पिछले क्लास में मैंने कहा हुआ याद नहीं है कि मैं ये मुद्रा आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मुद्रा बहुत आवश्यक है और ये करना बहुत जरूरी है, परंतु वो कैसी करनी है और वो महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताई है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया। अब याद कीजिए, कौन याद कर रहा है कि मैंने ये बताया था कि मैं एक वास्तविक अच्छे विद्यार्थियों का काम तो ये था कि अलका जी वो मुद्रा बताइए ना जो आपने लास्ट टाइम कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्यों सुचिता जी? वायु मुद्रा। चलिए ऐसे मुद्राओं के नाम लेंगे तो सारे 10 मुद्राओं के नाम ले लेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, मैंने कहा था बहुत भारी मुद्रा है, एकदम मस्त है, उसके अनुभव तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छे आते हैं उस मुद्रा के। वो मुद्रा सबसे बेस्ट मुद्रा है और ये करते नहीं है हम, एक प्रयोग है ये और वो करना चाहिए उसका बहुत। ऋतु भ्रामरी नहीं, ऋतु मुद्रा बहुत सुंदर है। अगर ये मुद्रा नहीं आई तो आनंद है कि मुझे आज ये मुद्रा नहीं बतानी है, क्योंकि मैं इसी मुद्रा के लिए आज क्लास ले रही थी, पर वो मुद्रा आज मुझे नहीं बतानी है। अगर किसी को है ना, यस, इसका मतलब क्लास पे जितना ध्यान चाहिए मुझे अपेक्षा उतना नहीं है। देखिए मुझे पता है स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं क्लास में, सुबह ज्वाइन होने वाले बहुत कम है, पर मैं वो इम्पोर्टेंटली देती हूँ। मैं कहती हूँ कि 10-25-100 लोग जमने से मुझे गर्दी नहीं चाहिए, आपके जैसे 4 भी दर्दी हो तो मुझे चलेगा, पर आप जैसे 4 दर्दी अगर दर्दी जैसा नहीं काम करोगे तो मैं लास्ट टाइम की क्लास मेरी मिस हो गई थी अलका जी, मेरे को उसका वीडियो देखना है। मिस हो गई तो तुमको ये होना चाहिए कि मुझे वो क्लास वापस देखनी है, आप जाके। हाँ मैंने देखा वीडियो, आया नहीं वैसा लगा मेरे को, मैंने चेक किया वो वीडियो आया नहीं। सब वीडियो आया है, उसी दिन आता है, आनंद भाई जी का तो शाम को ही आता है, नहीं आता तो अमन भाई जी को मैसेज करते कि मुझे वो वीडियो भेजो, वो तुरंत भेज देते है। तो यही बात है कि हम लोग अभी तक सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है। 13 पंथ के आज 13 लोग है पर मुझे आज नहीं मुद्रा बता रहे वो। आप लोग चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आनंद भाई जी वो मैंने बोला हुआ था और मैं उस मुद्रा की तैयारी करके आई थी, आप उस मुद्रा को मैं स्टॉप करती हूँ। आप सोच के ये सब मुद्रा तो आपने सीखी हुई है ना, ज्ञान मुद्रा, नाम लेने से कोई मतलब ही नहीं। 10 मुद्रा के तो आप नाम लेते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, वो सब उन मुद्राओं से हटके है जो हमने सीखे, सारे मुद्राओं से हटकर है वो हमने सीखी भी नहीं, हमने जानी भी नहीं। तो मैं, मुझे पता है पारस मल जी दुग्गड़ जो हमारे है वो मुद्राओं के एक्सपर्ट है, उन्होंने कई बार मुद्राओं के क्लास भी ली है, हम सारी मुद्राएं जानते हैं, पर क्या आप मुद्राओं के डेप्थ में हो? जिस तरह प्राणायाम आपका क्लियर हो गया, आज मैंने खाली स्पीडी प्राणायाम लिया पर एक एक प्राणायाम के लिए मैंने एक एक क्लास दी है, तब आपके 8 प्राणायाम थोड़े से क्लियर हुए, अभी भी उतने क्लियर नहीं जितने मुझे चाहिए, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, परंतु क्या मुद्राएं इतनी क्लियर है आपकी? सबकी मुद्राएं एकदम क्लियर है? मुद्राएं भी बहुत जरूरी है हमारे लिए प्राणायाम जैसे, तो बताइए क्या करना है आनंद भाई जी, क्या करना? सुचिता संगीता जी ने कान पकड़ लिए है, मैं नहीं चाहती कि कान पकड़े सभी, हमारे क्लास में भी अभी सबको कान पकड़ने ही पड़ेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, सबको तो कान पकड़। क्यों सुचिता जी? यस ऋतु बता रही है, ऋतु सही बता रही है। देखो ऋतु ये मत बनाओ, ऋतु ये बताओ कि ये मैंने बोला था क्या, क्या बोला था इसके बारे में? ऋतु ने सही बता रही है, उस मुद्रा के बारे में मैंने बोला था, चलो ऋतु बता रही है सही। चलिए ऋतु क्या बता रहे हैं? नाम भूल गए उसका दिमाग से, नाम भूल गए, परंतु वो देखो मैंने एक्शन की थी तो उन्होंने बताई है वो एक्शन। तो चलिए उस मुद्रा का नाम है सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, बहुत अच्छा लगा ऋतु। ऑल इंद्रियों का हम संयम करते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल रितु ने सही कहा, अभी क्या प्रॉब्लम है। यस एक बार रितु के लिए सब ओम आराम करें। चलो मुझे इतना तो सेटिस्फेक्शन हुआ कि कम से कम मुझे चाहिए कि मेरी क्लास में एक एक शब्द का इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसे शब्द नहीं यूज करती हूँ। तो सर्वेंद्रिया का मतलब है कि हमारा मन चंचल होता है। क्यों चंचल होता है? क्योंकि इंद्रिय देखती है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर कोई आया तो मेरा ध्यान उधर जाएगा, इंद्रिय उधर घूमेगी। कोई बात कर रहे हैं, हम बोलते ना अरे किसके घर में टीवी चालू है, कान में सुन लिया। तो ये सारे इंद्रिय हमारे ध्यान में डिस्टर्ब करती है और प्रॉब्लम करती है। तो ये इंद्रियों को विश्राम देना सबसे बड़ी बात है, कि बाह्य जगत से हमारा संपर्ण संपर्क काट देना, बाह्य जगत का सारा संपर्क काट देना और हमारा पूरे इंद्रियों को विश्राम देना और मन को भी विश्राम देना, ये काम करना है। ये है सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा। तो मैं एक बार आज दिखाई देती हूँ, परंतु इसका अभ्यास हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे, ठीक है? तो क्लास में क्या करना है, हमें दूसरी हमारी मंगलवार से क्लास शुरू हो रही है। क्या आप चाहते हैं कि मुद्राओं पे क्लास हो पूरी? Yes. क्या मुद्राओं के करनी है क्लास या क्या करनी है बताइए? मेरे दो उद्देश्य, जीवन विज्ञान पे क्लास डिप में लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन विज्ञान लोग जानते, पर एक एक पॉइंट को जानना जरूरी। जीवन नहीं, मुद्राओं पे लेना। मुद्राओं पे क्या चाहते हैं, सबके क्या भाव है? मुद्रा ही चाहते हैं, मुद्रा ही चाहते हैं। तो मुद्राओं का आज हमने बेसिक देख लिया, मुद्रा क्या है, मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा के लाभ क्या है। शायद मैं मुद्रा, परंतु एक लास्ट ये मुद्रा महाप्रज्ञ जी की बहुत फेमस मुद्रा है ये, और उसके ऊपर हम जाते। तो चलिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें है ना बहुत सुंदर अनुभव आते हैं। कैसे अनुभव आते हैं मैं पहले बताती हूँ, कि हम सारा इंद्रिय को बंद करेंगे ना, सब कुछ बंद हो जाएगा। आंख बंद, कान बंद, नाक बंद, श्वास भी बंद, कोट भी बंद हो जाएंगे। तो हमारे हवा श्वास लेते वो बाहर जाने का प्रयत्न करते तो सब धकेल देगी। तो उस प्रयत्न से क्या होगा, दरवाजे बंद, आंख बंद, कान बंद, सब बंद हो जाए। तो फिर उसमें से एक ऐसा प्रकाश सा बाहर बाहर आता है, ऐसा कुछ तेजो वाले भी आता है, कुछ कुछ अलग अनुभव आते हैं, सबके अनुभव अलग आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है मैं बताती हूँ। तो अंगूठे है ना, दोनों अंगूठे, ये छोटे कान की पाली है, पल्ली है ना, उसको दबाना है। यस, ये और ग्रंथों में कुछ अलग अलग भी टाइप का बताया है, पर मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ। तो अपने पहले उंगलियों से आंखें बंद करनी है, आंखें। फिर दो उंगलियों से हमारे नाक बंद करना है, दो उंगलियों से। तो पहली दो उंगलियों से आंखें बंद, दूसरी दो उंगलियों से नाक बंद, और तीसरी दोनों उंगलियों से ओठ बंद करना है। ओठ को क्या होता है, ज्यादा व्यवस्थित बंद करना पड़ता है। तो ये है, तो इसमें पहले एक बार देख लिया, एक बार देखो मैं बताती हूँ, ठीक है? पहले क्या करना है बताती हूँ। लंबी सांस लेनी है और फिर ये मुद्राएं हमारे ऐसी रहेगी, जितनी देर कुंभक रख सकते रखना है। चलिए तैयार, एक बार कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको व्यवस्थित समझ के करेंगे, समय कम है। तो चलिए रेडी है सभी, एक बार सब रीढ़ की हड्डी सीधी करें, बैठक परिस्थिति एकदम रीढ़ पूरा सीधा होना चाहिए। कान की छोटी पाली बंद कर दीजिए, आंखों पे उंगलियां रखिए, ओठों पे दोनों उंगलियां रखिए, लंबी गहरी सांस भरे, लंबी गहरी भरनी, नाक बंद करना है और कुंभक कितनी देर करना है, थोड़ी ज्यादा देर रखो, इस बार दम घुटने लगे इतने, तभी कुछ प्रकाश जैसी आंखों से दिखाई देता है कि अनुभव बताना है अपने। करिए, अपनी मर्यादा इतना ही करना है, चक्कर आए उतना ना करे। Yes. एक बार करके आपके अनुभव क्या हुआ, कैसा लगा आपको बताइए। सुचिता बताओ पहले।
बहुत सुंदर, यानी पूरे प्रकाश जैसे लग रहा था। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट सुचिता, हाँ बोलो सुचिता। अभी बहुत ऐसे प्रकाशमय मालूम हो गया, जैसे बंद करते स्टार्टिंग में तो अंधेरा लगा बंद करने के बाद, बाद में पूरा ऐसा प्रकाश जैसे मालूम हो गया। इसके बहुत अलग अनुभव आएंगे, अभी इस पर मैंने आज बताया, वरना मैं बताने वाली नहीं थी। रितु के लिए धन्यवाद, तो सभी की रितु के कारण मैंने बताई, वरना तो नेक्स्ट टाइम बताई देती, वो कोई बात नहीं, अपने ही सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दूसरा किसी का अनुभव बताना है। चंदू जी आपने, आपको क्या अनुभव आया? बस अपने आप से अंदर से जैसे लगा कुछ, अंदर से कुछ हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरुण जी जुड़े हैं हमारे से, बहुत चंदू जी को अंदर से कुछ फीलिंग हुई। अरुण, अरुण टोकरावत जुड़े हैं। अरुण जी बोलिए। मैडम जब योग ये मुद्रा पूरी होती है तो नाक से सांस छोड़नी है। हाँ, श्वास तो नाक से छोड़नी है इसमें, और वापस लेनी है, वापस करनी है, कंटिन्यू करते रहना, बाकी सब मुद्राएं वैसे ही रखनी है, और खाली नाक का श्वास छोड़ना है, लेना है, और ज्यादा से ज्यादा कुंभक करना है। इसमें जितना ज्यादा करोगे उतना एक्सपीरियंस ज्यादा आता रहेगा। रितु कर कर लिया, रितु ने कैसा लगा? अरुण जी आपको कैसा अनुभव आया? स्टार्टिंग में अंधेरा था, फिर उजाला लगने लगा, उजाला लगने लगा। पहले किया है क्या ये करते थे? कभी किया है ये मुद्रा? वैसे तो आपने की होगी मुझे लगता है, क्योंकि हमारे में कभी बताई भी जाती है ये मुद्राएं। की हुई है। रितु कान से हवा निकली, कान से हवा निकलेगी नहीं, कान इतना दबना चाहिए क्या? कान से हवा निकली मतलब गलत हो गया आपका? बात छोड़ने के बाद ना, छोड़ने के बाद छोड़ेंगे ही नहीं ना, हम नाक से ही छोड़ेंगे, कान से नाक हवा छोड़ने की जगह देंगे ही नहीं, कंटिन्यू करते रहेंगे। जब तक हमारा पूरा श्वास नाक से बाहर नहीं आएगा तब तक हम कोई मुद्रा छोड़ेंगे नहीं, तो वो कान से कैसे आएगा? इसका मतलब आपका सही नहीं हुआ है। चलिए मनोज, संपन्न होने जा रहा है। यस संपन्न, इसीलिए मनोज जी, यस मुद्राओं के साथ पांच तत्वों का बहुत ज्यादा महत्व है। किसका? पंच तत्व मुद्राओं के साथ संबंधित है, तो पहले तत्व भी हमें समझने पड़ेंगे, पांच तत्व कौन से? आनंद भाई जी, मुद्राओं समझते टाइम पांच तत्वों को समझाना ही पड़ता है, एक एक अंगूठे को एक एक कौन सा तत्व है और उसका क्या संबंध है, ये तत्व समझाने के बाद ही मुद्राएं समझाई जाती है। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले पांच तत्व को हमको समझना जरूरी है। वो मालूम है आनंद भाई, उसके बिना मैं मुद्रा बताऊंगी नहीं, मैं करूंगी तो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि फिर तत्व मालूम नहीं और इनका क्या संबंध है वो नहीं, तो मुद्रा कैसी बनेगी? तो इसीलिए वो तत्व तो बताने वाली हूँ, जब शुरुआत करेंगे मुद्रा के डीप में जाना हो मुझे तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही जाऊंगी, या तो फिर मैं एक काम भी कर सकती हूँ कि उसके मेरा क्लास अगले मंगलवार है, उसके पहले मुद्रा पांच तत्वों पे मैं एक लेक्चर रखूंगी किसी का, मुझे है मालूम कौन बताता है ये, तो उस तत्वों के बारे में जानने के लिए एक क्लास रखूंगी और उसके बाद हम उसका केवल उंगलियों से संबंध क्या है वो समझ कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब लास्ट मंगलवार का वीडियो डाल दीजिए प्लीज। चलिए ओम अरहम, कैसा लगा सबको? मजा आए? मेरी डांट, मेरी डांट अच्छी लगी? प्यारी प्यारी डांट लगी। वो लास्ट ट्यूसडे का वीडियो डाल दीजिए भाई साहब। नहीं सही में, जब भी से आप डांट रहे हो ना तब से थोड़ा तो हम पहले क्लास में बैठने से पहले किताब खोलते हैं तो ढूंढते हैं। नहीं चलो बढ़िया बढ़िया। संगीता जी वीडियो के बारे में आपने बताया, देखिए मैंने पुराने वीडियो वापस अपलोड डालने शुरू किए हैं, मैंने स्टार्टिंग से चार वीडियो अभी तक डाल चुका हूँ मैं ग्रुप में, आप लोगों ने देखे होंगे पहले के चार वीडियो हमारी प्राणायाम से रिलेटेड एक एक करके सीधे ली, चार वीडियो की पांचवा आज मैं ग्रुप में डालूंगा। अरुण भाई जी और रितु वगैरह जिन्होंने पहले देखे नहीं है तो एक एक प्राणायाम के वीडियो देखो, हमने एक एक आठ प्राणायाम के आठ अलग अलग क्लास लिए और बहुत डीप में जाके इस तरह जैसे आज मुद्राओं का समझा वैसे प्राणायाम का हमने हठ योग में क्या कहा है, घेरण संहिता में क्या कहा है, इस तरह पूरा डीप में जाके, तो आप सभी भी जिन्होंने आज देखी नहीं है वो सबको नम्र निवेदन है कि वो पहले वीडियो भी जरूर देखे और अगले मंगलवार हमारी क्लास शुरू होगी वो मुद्राओं पे होगी। चलिए समापन की ओर, लास्ट कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। अगर जी मुझे आपका नंबर चाहिए। कौन बात कर रही है? मीनू बाटला फ्रॉम दिल्ली।
चलो ले लो 94 27 27 49 49 16 16 13 13 94 27 49 16 13 थैंक यू सो मच. यस करेक्ट करेक्ट मोस्ट वेलकम मीनू. मीनू जी बहुत अभ्यास हुआ है. अरुण भाई जी रितु भाई जी इन्होंने बहुत क्लासेस की हुई है. इनको बहुत डीप नॉलेज है सारे विषय का और बहुत अच्छी तरह वो अभी थोड़े पैर में प्रॉब्लम है इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करके परंतु उनका नॉलेज बहुत अच्छा है. इन्होंने भारतीय योग विद्या योग संस्थान भारतीय योग संस्थान दिल्ली में भी हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है. मैं आपको कॉन्टेक्ट करवा दूंगी दिल्ली के ग्रुप भारतीय योग संस्थान की तरफ से मतलब उनके साथ में करती हूं. बहुत बढ़िया. चलो हमें तो सब मोस्ट वेलकम रहते हैं आपको पता है. धन्यवाद थैंक यू आनंद भाई जी. बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी. जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद. एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से अभी हम समापन की ओर चलेंगे. दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए साथ साथ उच्चारण करें. मैं मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है. इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है. मंगल भावना हमारा आज का दिन आनंदमय हो आनंदमय हो शांतिमय हो भावनाओं के साथ हो शांति आभारी सभी ना सर्वेंद्रिय मुद्रा की.